सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं उनके लिए जो कि अपना मोटो व्लॉग शूट करना चाहते हैं और वो उनका फर्स्ट टाइम है कि वो मोटो व्लॉग शूट करने वाले हैं और उनको ये चीज़ पता नहीं है कि वो लोग को अपने फर्स्ट मोटो व्लॉग में क्या बात करनी है, क्या बोलना है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कन्फ्यूज रहते हैं कि हमको अपने फर्स्ट मोटो व्लॉग में आखिर बात क्या करनी है। क्योंकि फर्स्ट मोटो व्लॉग में आप लोग को अपना सब इंट्रो देना रहता है, लेकिन आप लोग वो भी अच्छे से दे नहीं पाते हो। और ये नहीं कि आप लोग अपना इंट्रो ही देते रहो, आप लोग एंड तक मोटो व्लॉग शूट कर रहे हो उसमें भी एंड तक अपना इंट्रो दे रहे हो, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो मैं आप लोग को आज कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो कि आप लोग अपने फर्स्ट मोटो व्लॉग में जो है बता सकते हो या फिर आप लोग फर्स्ट मोटो व्लॉग में जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे कि आप लोग का मोटो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। बाकी फर्स्ट या सेकंड मोटो व्लॉग के बाद आप लोग हैबिचुअल हो जाओगे, आप लोग को आदत हो जाएगी बात करने की। जो मैं आप लोग को पॉइंट बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उन लोग को जिनको पता नहीं कि मोटो व्लॉग शूट कैसे किया जाता है बिना किसी कैमरे के। तो मैं ऑलरेडी उन लोग के लिए एक वीडियो बना चुका हूँ मैं अपना मोटो व्लॉग का सेटअप कि मैंने कैसे स्टार्ट किया है बिना किसी कैमरे के, बिना कोई एक्सपेंसिव जो होता है गैजेट्स वगैरह के। तो आप लोग जाके वो जो है वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बहुत मतलब कि अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया था और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर आप लोग अपना फर्स्ट मोटो व्लॉग शूट करें तो आप लोगों को बात कैसे करनी है। तो बेसिकली आप लोगों को तो पता है मोटो व्लॉग में बस आप लोगों को नॉर्मली ऐसे बाइक में बैठना रहता है और आप लोगों को राइड करना रहता है, लेकिन केवल राइड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। उसके साथ साथ अपनी ऑडियो क्वालिटी भी जो होती है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और ऑडियो क्वालिटी जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो में आप लोग कैसे अच्छी कर सकते हो। क्योंकि बहुत से लोगों की वीडियो क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहती है लेकिन ऑडियो क्वालिटी नहीं अच्छी रहती है। जब तक ऑडियो क्वालिटी नीचे रहेगी तब तक किसी का मन ही नहीं लगेगा आप लोग के मोटो व्लॉग देखने में। तो आप लोग को बात क्या करनी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस, बेसिकली सबसे पहले आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देना, अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दे देना, जैसे कि आप इस चैनल में क्या अपलोड करने वाले हो वीडियोस, और आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देना है कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, आप लोग का नाम क्या है, आपका नाम और आपकी एज, आपका सब कुछ जो है स्टेट वगैरह आप लोगों को सबसे पहले बता देना है। उसके बाद ये जो बातें होती हैं इंट्रोडक्शन वाली आप लोगों को ज़्यादा नहीं खींचनी है। होता क्या है कि जब आप लोग अभी नए नए हो, आप लोग का मतलब कोई पॉपुलैरिटी नहीं, मतलब किसी की नहीं होती स्टार्टिंग में, मेरी भी अभी मतलब अभी तक भी नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है कि थोड़ा बताना है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है अगर आप लोग का लाइफस्टाइल जानने में, क्योंकि जो लाइफस्टाइल जानना है वो उन लोगों को सेलिब्रिटीज़ के ही जानने होते हैं लोगों को आजकल। तो आप लोग का कोई क्यों लाइफस्टाइल जानेगा या फिर क्यों आप लोग का इंट्रोडक्शन लेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोग को मोटो व्लॉग जो शूट करना है पूरा, उसके बाद आप लोगों को मैं थंबनेल बता दे रहा हूँ आप लोगों को क्या करना है। जो भी मोटो व्लॉग में आप लोगों का सबसे बेस्ट मोमेंट रहा हो या फिर सबसे मतलब डेंजरस मोमेंट रहा हो या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आप लोगों को बेसिकली वही उठा के आप लोग अपने थंबनेल में डालना है, वही उठा के आप लोग अपने टाइटल में डालना है। बाकी अंदर आप लोग को बात क्या करनी है, आप लोग को ये इंट्रोडक्शन देने के बाद आप लोग नॉर्मली बात कर सकते हो अपनी बाइक के बारे में, आपकी बाइक का क्या माइलेज है, आपकी बाइक कितने साल पुरानी हो चुकी है, और जो है आप लोग का बाइक की टॉप स्पीड क्या है, आप लोग टॉप स्पीड चेक करा सकते हो वीडियो में, मतलब सेफ्टी गियर्स के साथ पहन के चेक कराना, या फिर आप लोग अपनी टॉप स्पीड चेक करा सकते हो, या फिर रैश राइडिंग कर सकते हो, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। रैश राइडिंग चलता बहुत, मैं वो जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को वो नहीं करनी है अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि आप लोगों को ये करने से रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप लोग गिर सकते हो, बहुत ज़्यादा जो है एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं। तो बेसिकली आप लोग अपनी बाइक के एवरेज के बारे में बात करना है, आप लोग की बाइक के मॉडल के बारे में बात करना है, और जो जो नई बाइक्स आ रही हैं इस समय मार्केट में आप लोग को उसके बारे में बात करना है। बाकी आप लोगों को अपने जो स्ट्रीट्स में चल रहे हो आप लोग को वहाँ के बारे में बताते रहना है कि ये कौन सा एरिया है, ये एरिया में क्या फेमस है, या फिर आप लोग कहाँ जा रहे हो वो आप लोग को बताना है, जहाँ जा रहे हो वहाँ पर क्या फेमस है। तो यही सब चीज़ें करके आप लोगों को धीरे धीरे बात करनी है। बाकी जो रास्ते में आप लोग को दिख रहा है आप लोग उसके बारे में भी बात कर सकते हो, जैसे कि मान लो आप लोग के बगल में जो है बहुत ज़्यादा फेमस स्वीट्स की शॉप है, तो आप लोग उसके बारे में बता सकते हो कि ये जो है हमारे एरिया की सबसे ज़्यादा टॉप की स्वीट की शॉप है, और ऐसे कर करके आप लोग जो है अपना मोटो व्लॉग में इंटरेस्ट जो है लोगों का मतलब कि उसको लगा सकते हो। तो बस आप लोगों को यही नॉर्मली सी बात करनी है, जो भी रास्ते में दिख रहा है आप लोगों को, जो भी चीज़ें आप लोग के साथ में सामने हो रही हैं, या फिर कोई बहुत पास से निकला आपके बगल से निकला आप लोगों को वही सब दिखाना है। बाकी इसमें कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, जो आप लोगों को वही बात करनी है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बस आप लोग बोलते रहिए, बाकी जो बातें आपके आप अपने आप से जो है बनाते रहोगे। तो ऐसे ही लोगों का अटेंशन आप लोग ग्रैब कर सकते हो बहुत ही ईजिली मोटो व्लॉग शूट करके। बाकी अगर आप लोगों को आइडिया लेना है पहला मोटो व्लॉग कैसे शूट करते हैं तो जाकर मेरे चैनल में देखो मेरे मोटो व्लॉग्स, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।